जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदा खेल खेल में और स्त्री 2 मूवी की 12 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इन तीनों मूवी को आज रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और आज आ चुके हैं मंडे, और मंडे के दिन से सभी मूवी के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलती है। अब देखते हैं आज के दिन पर इन तीनों मूवी के कलेक्शन में कितनी बड़ी ड्रॉप देखने को मिलती है और इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी आज के दिन पर बाजी मार पाती है और कौन सी मूवी रह जाती है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदा मूवी के बारे में। इस मूवी को भी आज रिलीज हुए 12 दिन हो चुके और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट कलेक्शन कर रही है। और देखा जाए तो संडे के दिन पर एक हल्की सी जंप देखने को मिली थी इस मूवी की कलेक्शन में और आज आ चुकी है मंडे और आज के दिन से और इस मूवी की कलेक्शन ड्रॉप हो चुकी है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आज के दिन पर कितने करोड़ की निकल के आती है। अब इस मूवी की कलेक्शन वर्किंग डे आने के बाद से पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगी और कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम और तमन्ना भाटिया देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 18 करोड़ 45 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 21 करोड़ 85 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 3 करोड़ 15 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 25 करोड़, जबकि देखा जाए तो इस मूवी का बजट 55 करोड़ के आसपास है और इस मूवी ने अभी तक केवल 25 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है जो कि पूरी तरीके से डिजास्टर हो चुकी है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 11वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 80 लाख और इस मूवी ने 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 19 करोड़ 25 लाख और इस मूवी की 12वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज आ चुकी है मंडे और वर्किंग डे, तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 20 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां आप खेल खेल में मूवी के भी कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी को भी आज रिलीज हुए 12 दिन हो चुकी है और इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी है। और देखा जाए तो संडे के दिन पर एक हल्की जंप देखने को मिली थी इस मूवी के कलेक्शन में भी और आज आ चुकी है मंडे और मंडे होने की वजह से इस मूवी की कलेक्शन में भी एक बड़ी ड्रॉप देखने को मिल रही है। आज के दिन पर देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन और कहाँ तक जा पाती है और आज के दिन पर मंडे के दिन पर कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां इस मूवी ने अभी तक जिस तरीके से कलेक्शन करके दिखाया जो कि पूरी तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन के मामले में निराश कर दिया। अब देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कितने करोड़ की निकल के आती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाती है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की भी स्टार कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार, एमी विर्क, तापसी पन्नू, प्रज्ञा जायसवाल और वाणी कपूर देखने को मिलने वाली है। जहां इस मूवी में बड़े स्टार कास्ट देखने को मिल रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी है और इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरीके से निराश कर चुकी है। जहां स्त्री 2 मूवी की बात करें तो स्त्री 2 मूवी में कोई भी बड़े स्टार कास्ट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो 2024 की बॉलीवुड की तरफ से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खेल खेल में मूवी के भी 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की भी 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 21 करोड़ 40 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 25 करोड़ 70 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 7 करोड़ और इस मूवी ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 32 करोड़ 70 लाख। और इस मूवी की 11वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 11वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 1 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 23 करोड़ 15 लाख। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के 12वें दिन की कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 1 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। और आप लोगों ने खेल खेल में मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो इस मूवी ने पूरी तरीके से निराश कर चुकी है।
जहां स्त्री 2 मूवी को आज रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी ने जो कलेक्शन करके दिखाया जो कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा की निकल के आ चुकी है और 2024 की बॉलीवुड की तरफ से भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। जबकि इस मूवी के स्टार कास्ट में कोई भी बड़े सुपरस्टार देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन इस मूवी ने बड़े सुपरस्टार को भी पछाड़ते हुए पहले दिन पर ही एक बड़ी ओपनिंग ले चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन कर चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अभी भी रुकने नहीं वाली है। और आज से आ चुकी है वर्किंग डे, लेकिन फिर भी वर्किंग डे पर भी एक डिसेंट कलेक्शन करेगी और अच्छी खासी कलेक्शन कर जाएगी इस वर्किंग डे पर भी, और वीकेंड आने के बाद एक और बड़ी जंप ले सकती है। अभी स्त्री 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कलेक्शन कर रही है, लगता नहीं है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी आसानी से रुकने वाली है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कलेक्शन करके जाने वाली है। देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है और ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों ने स्त्री 2 मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखा जाए तो इस मूवी ने जो कलेक्शन करके दिखाया उम्मीदों से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी है और इस मूवी को पब्लिक को पसंद आने की वजह से इस मूवी की कलेक्शन एक बड़ी जंप पकड़ी और इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ निकल के आई है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और इस मूवी ने 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 342 करोड़ 15 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 410 करोड़ और इस मूवी ने 10 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है 75 करोड़ और इस मूवी ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 485 करोड़ और इस मूवी की 11वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 11वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 44 करोड़ और इस मूवी ने 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 386 करोड़ 15 लाख और इस मूवी के 12वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह से ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 28 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आज आ चुकी है वर्किंग डे और वर्किंग डे आने के बाद से सभी मूवी के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलती है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आज के दिन पर कितने करोड़ की निकल के आती है। और आप लोगों ने इन तीनों मूवी को देख लिया है तो आप लोगों को इन तीनों में से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी है भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।